वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए लघुत्तरी प्रश्न की सेवेंथ यूनिट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है हमारा, इस सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, अथवा मैं आपसे पूछा जा रहा है इस सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। चाहे आपसे सामाजिक संरचना की अवधारणा पूछे या सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, दोनों कंडीशन में आपको आंसर एक ही देना है, ठीक है ना। तो आंसर इसका है कि समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है, समाज जो है वो एक अखंड व्यवस्था नहीं है, इसके विभिन्न अंग होते हैं। किसके? समाज के विभिन्न। समाज सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि समाज अखंड व्यवस्था नहीं है। इसके बाद कह रहा है इसके विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है। समाज एक संपूर्णता है। समाज क्या है? संपूर्णता है। सावयवी संपूर्णता की भांति इसका निर्माण विभिन्न व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं के व्यक्ति व्यवस्थित संकलन से होता है। सावयवी संपूर्णता की भांति इसका निर्माण किसका? समाज का, ठीक है। विभिन्न व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं के व्यवस्थित संकलन से होता है। ये समाज की विभिन्न इकाइयाँ हैं, ठीक है। ये समाज की विभिन्न इकाइयाँ हैं। इस प्रकार समाज की निर्मित करने वाले विभिन्न अंग तथा इकाइयाँ व्यवस्थित ढंग से संयुक्त होकर एक ढांचे का निर्माण करते हैं, ठीक है। समाज को निर्मित करने वाले विभिन्न अंग तथा इकाइयां जो हैं वो व्यवस्थित ढंग से संयुक्त होकर एक ढांचे का निर्माण करते हैं, इसे सामाजिक संरचना कहते हैं, ठीक है। पार्सन्स के अनुसार, पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक संरचना वह शब्द है जिसका प्रयोग परस्पर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ग्रहण की जाने वाली स्थितियों और भूमिकाओं की विशिष्टि, ठीक है, विशिष्ट व्यवस्था के लिए किया जाता है। नेडल के शब्दों में नेडल ने कहा कि संरचना भागों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता को प्रकट करती है जिससे स्थानांतरणीय माना जा सकता है और जो अपेक्षाकृत अपरिवर्तनीय होती है, ठीक है ना, जबकि स्वयं उसके भाग परिवर्तनशील होते हैं। नेडल ने कहा कि संरचना भागों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता को प्रकट करती है, ठीक है, जिससे स्थानांतरणीय माना जा सकता है और जो अपेक्षाकृत अपरिवर्तनीय होती है, जबकि स्वयं इसके उसके जो भाग हैं वो कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना शारीरिक संरचना की भांति एक सावयवी व्यवस्था है जिसका निर्माण उन व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं और प्रतिमानों से होता है जो निश्चित स्थितियों और कार्यों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और इन प्रकार्यात्मक संबंधों के आधार पर एक निश्चित विशिष्ट व्यवस्था का विकास करते हैं। अतः निक्षेप संक्षेप में यह कहना उपयुक्त होगा कि सामाजिक संरचना समाज को विभिन्न निर्माणक इकाइयों के अंतः संबंधित रहते हुए विशिष्ट क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित हो जाने को कहते हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।